मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। क्या 30 दिन में हारमोनियम सीखा जा सकता है? ऐसी किताबें आपने बहुत सारी देखी होंगी जिसमें लिखा होता है 30 दिन में हारमोनियम सीखिए, 15 दिन में हारमोनियम सीखिए, फलां गाने सीखिए और ये सीखिए वो सीखिए। ऐसी किताबें आती हैं और ऐसे काफ़ी क्लिक बेट्स होते हैं जिससे हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ऐसा कर सकते हैं, है ना। सेम कंसेप्ट आपने जो दूसरी भाषाओं की किताबें हैं उनके लिए भी देखा होगा कि 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए, स्पोकन इंग्लिश सुधारिए सिर्फ 15 दिन में, है ना, महीने भर में इंग्लिश सीख जाएंगे आप। तो ऐसे कुछ क्लिक बेट्स होते हैं, ऐसे कुछ टाइटल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो लगता है कि क्या ये मुमकिन है वाकई, है ना। और सवाल तो आप लोगों का रहता ही है कि जल्दी से जल्दी कब तक सीख सकते हैं, और एक दिन में आप बता दीजिए, एक महीने में हो जाएगा, 6 महीने में सीख जाएंगे क्या? तो आज ये सारी जो भ्रम है इन सब पर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या है इसका राज, और हाँ वाकई कैसे सीखा जाता है और कितना और आ सकता है आपको, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या राज है 30 दिन में संगीत सीखने का। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। तन्हा तन्हा रोने वाले, तन्हा तन्हा रोने वालों, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है। फरश शहजाद साहब की लिखी हुई एक गज़ल और ओरिजिनली गाई हुई है मेहदी हसन साहब द्वारा, उन्हीं की कंपोजिशन है। तो एक छोटा सा उसका एक पेशकश थी। तो आइए फिर से बात करते हैं उसी टॉपिक पर कि क्या 30 दिन में हारमोनियम सीखा जा सकता है। कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन स्टूडेंट से ही मेरी बातचीत हो रही थी, तब मैंने उनको ये कंसेप्ट समझाया था। तो मैंने सोचा ये आप सभी तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 30 दिन में हारमोनियम या गाना सीखा जा सकता है, मगर कैसा सीखा जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, बचपन से हम 12th तक जो है सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे किसी भी सब्जेक्ट में अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो होती है वो 12th तक सबके कंपलसरी होती है इंडिया में, तो एटलीस्ट, है ना, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो लैंग्वेज हम सीखते हैं हिंदी इंग्लिश, ये दो भाषाएं जो हैं ये लगभग कंपलसरी रहती हैं, जो हम सीखते ही सीखते हैं। अब एक इंग्लिश हम लोग पढ़ लिख के सीखते हैं, और एक इंग्लिश आप अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं तो वहाँ जो गाइड होते हैं वो बोल रहे होते हैं। कोई सी भी भाषा ले लीजिए, वो स्पेनिश भी बोल रहे होते हैं, वहाँ फ्रेंच भी बोल रहे होंगे, और कोई चाइनीज़ आ गया तो उससे मैंडरिन में भी बात करेंगे, तो उनको सारी भाषाओं का नॉलेज होता है। तो ऐसा क्या है कि उनको सारी भाषाएं आ जाती हैं? और ऐसी छोटी छोटी बुकलेट्स भी आती हैं कि क्या बोलते हैं, पासबुक टाइप होती है ना, कि जिनसे आप वर्ड सीख सकते हैं। तो वो जो भाषा का जिस पार्ट को वो सीख रहे हैं उसको सिर्फ रटना कहते हैं, है ना। वहाँ उन्होंने कुछ सेंटेंसेस के कि मे आई कम इन, मे आई गो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इन सब को अपना स्पेनिश में क्या बोलेंगे, तो उसकी किताब है तो उसमें लिखा हुआ है कि इसको ये बोल देंगे, इसको ये बोल देंगे। ट्रांसलेशंस जो हैं वो आपने सारे याद कर लिए, और उनके प्रोनंसिएशंस जैसे भी टूटे फूटे आपके मुंह से निकल रहे हैं वो आपने बोल लिया। ऐसे आप सीख सकते हैं 30 दिन में इंग्लिश भी और 30 दिन में हारमोनियम भी।
करना कुछ नहीं होगा आपको, थोड़ा बहुत मैं अलंकार बता दूंगा, 5 गानों की स्वरलिपियां दे दूंगा कि ऐसे 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 इनको बजा लीजिए, लेकिन उनमें जो परफेक्शन आएगा वो कभी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उनमें जो बारीकियां हैं वो 30 दिन में नहीं सीखी जा सकती हैं। एक गीत में जब कोई कंपोजिशन गव रही है तो उसमें स्वरलिपि तो है ही है ना। जैसे यही गजल ले लीजिए जो मैंने गाई, क्या टूटा है, तो अगर इसकी मैं सिर्फ स्वरलिपि की बात करूं, पा मारे मागा, ये बजाएंगे तो भी वही बात है, और पा मारे मागा, ये जो माँ पे थोड़ा सा आंदोलन था और हल्की हल्की फुल्की मीण जो मैं कहीं ना कहीं ले रहा था, या छोटे छोटे कण जा रहे थे, स्पर्श जा रहे थे, ये जो आभूषण मैंने लगाए, म्यूजिक के ऑर्नामेंट्स जो मैंने लगाए, ये मैं 30 दिन वाले हारमोनियम में नहीं सीख सकता। मैं सिर्फ पा मारे मागा क्या टूटा है अंदर अंदर, ऐसे इंग्लिश में जरूर बोल सकता हूँ कि गुड मॉर्निंग, ये प्रोनंसिएशन, ये एक्सेंट, ये मैं जरूर 30 दिन में ला सकता हूँ, लेकिन उस गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम होगा, और गुड मॉर्निंग कब कब बोलना चाहिए वो मुझे नहीं मालूम होगा। या एक कोई सेंटेंस मैंने आपको दे दिया कि माय नेम इज निषाद किशोर पांडे, अब मैंने बोला ऐसा कोई दूसरा सेंटेंस बनाओ, वो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने वो सेंटेंस रटा हुआ है, यानी कि वो 30 दिन में जो आपने भाषा सीखी उसमें आप ट्रांसलेशंस को रट सकते हैं, मगर उनके अक्ष तक, उनके असली अर्थ तक आप नहीं पहुंच सकते, है ना। तो उसी तरह से 30 दिन में हारमोनियम भी उसी तरह से सीखा जा सकता है कि चंद अलंकार आपने ले लिए, उनको आपको मालूम है कि बस ये सारे गमा पधनी से आता है, अब फटाफट से राग बता दो, तो राग की स्वरलिपि लिखी हुई है सामने कि भाई ये एरी आली पिया बिन ऐसे बजता है, तो वहां से बजा लिया, नी धा पा मा पा गा मा पा, ये देखा और वहां बजा लिया। तो इस तरह से आप बिल्कुल सीख सकते हैं, और मगर वही बात होगी कि एक इंग्लिश आप लोग और मैं बोलता हूँ, एक हिंदी आप और मैं बोलते हैं, और एक टूरिस्ट गाइड बोलता है, उसमें कुछ तो फर्क होगा, है ना। मैं टूरिस्ट गाइड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, मैं उनको डिमीन नहीं करना चाह रहा हूँ या उनको बिलिटल नहीं करना चाह रहा हूँ, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नीचे दर्जे का बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है, पर एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि वो लोग किस तरह से सीखते हैं, और जाहिर बात है उनकी मजबूरी है, उनको कोई उस भाषा में पारंगत होना नहीं है, उनको सिर्फ 4 कॉन्वर्जेशन के लिए 4 सेंटेंसेस चाहिए, इसके लिए वो सीख रहे हैं। तो हाँ, अगर सिर्फ वही 4 कॉन्वर्जेशन के लिए आपको अगर संगीत सीखना है तो आप 30 दिन में भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर उस संगीत से आपको वाकई कुछ लेना है और उसका असली अर्थ आपको समझना है तो वो 30 दिन में मुमकिन नहीं होगा, है ना। उसके लिए आपको साल देने पड़ेंगे, आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी देनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ उसमें कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ अपना पॉइंट रख पाएंगे और उसका कुछ पॉइंट समझ पाएंगे, ठीक है। तो बस ये छोटा सा एक टॉपिक था, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, संगीत प्रवाह वर्ल्ड को, ताकि ऐसे ही कुछ ना कुछ नए वीडियोस मैं लाता रहूँ, और मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे रेगुलर बहुत सारे गीत आने वाले हैं जो नए ओरिजिनल्स होंगे, जो कि मेरे ही बनाए होंगे या ओरिजिनल मेरे पिता गुरु के होंगे, या फिर जिस भी आर्टिस्ट को मैं वहाँ प्रेजेंट करूँगा उस आर्टिस्ट के बनाए हो सकते हैं, लेकिन हम कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ ओरिजिनल्स पर काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और लिरिक्स भी जहाँ तक हो सकेगी हम ओरिजिनल लाने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करें मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को भी, संगीत प्रवाह वर्ल्ड को भी, लाइक कमेंट शेयर करें इस वीडियो पर, एंड अपने विचार व्यक्त करें कमेंट्स में, ताकि हम कुछ नए से नया बना सकें। धन्यवाद।